वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हर्बो हेल्थ में। गाइस, आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड एजुकेशन के बारे में। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या चीज़ है रेट्रोग्रेड एजुकेशन। दोस्तों, ये उस क्रिया को कहते हैं कि जब आप संभोग कर रहे हैं और संभोग करते समय आपका वीर्य निकलने वाला है और अचानक आप वीर्य के वेग को रोक देते हैं। जो वीर्य आपका निकलने वाला था उसको आपने रोक दिया, आपने सोचा कि अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरी टाइमिंग बढ़ जाएगी, जो मेरी प्री मेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आप गलत हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ वेग ऐसे हैं जिनको रोकना नहीं चाहिए, जैसे कि छींक आना नेचुरल है, इसको नहीं रोकना चाहिए। जमाई आना ये भी नेचुरल है, इसको नहीं रोकना चाहिए। मल त्याग करना ये भी नेचुरल वेग है, इसको भी नहीं रोकना चाहिए। या यूरिन पास करना, मूत्र त्याग करना, पेशाब करना, इसको भी नहीं रोकना चाहिए। अब आप इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें कि अगर आप इनमें से किसी भी एक वेग को रोक देते हैं तो क्या होगा। आप छींक आ रही है उसको रोक दें तो आप सोचेंगे कैसा आपको महसूस होगा। या फिर आपको पेशाब आ रहा है और आप पेशाब नहीं कर रहे हैं, पेशाब को रोक के बैठे तो ब्लैडर के ऊपर जोर पड़ेगा। इसी तरह से वीर्य के वेग को रोकना भी गलत है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ इजी लैंग्वेज में कि वीर्य निकलता कैसे है। शायद आप हो सकता है कि तब समझ जाए कि भाई कि वीर्य के वेग को रोकना कितना गलत तरीका है। देखिए क्या है कि मूत्र मार्ग और वीर्य का निकलने वाला मार्ग एक ही है, दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं। क्योंकि ये मान लीजिए पेनिस है आपका, और पेनिस के अंदर से ही आपका मूत्र मार्ग भी उसी में ही है और वीर्य का मार्ग भी उसी में ही है। जब आप पेशाब यानी कि यूरिन पास करते हैं तो एक ब्लैडर है, वहाँ पे एक वॉल्व है जो कि खुलता है वॉल्व जब यूरिन पास होता है। पहले ये जान लीजिए कि वीर्य किसे कहते हैं। देखिए, वीर्य प्रोस्टेट से निकलने वाला एक लिक्विड और अंडकोश के अंदर जो स्पर्म है उनके मिक्सचर को हम वीर्य कहते हैं, जो देखने में दूधिया रंग का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आप सब जानते हैं। आप लिक्विड तो देख लेते हैं लेकिन उस लिक्विड के अंदर जो छोटे छोटे शुक्राणु हैं उनको आप नहीं देख पाते, क्योंकि नंगी आंखों से उनको देखना संभव ही नहीं है, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। चलिए, खैर ये तो बात होगी वीर्य की, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे हैं कि वीर्य के वेग को रोकने से क्या होगा। देखिए, अब आप सोचिए कि आपका वीर्य निकलने वाला है और आप वीर्य के वेग को अचानक रोक देते हैं तो उसे जो वीर्य निकलने वाला था वो वापस आएगा पेनिस के अंदर, उसी नली के अंदर वापस आएगा और आकर के उस वाल्व से टकराएगा जिस वाल्व के खुलने से यूरिन पास होता है। और जब वो बार बार आप ऐसा करेंगे तो वो वाल्व क्या है, कमजोर पड़ जाएगी और वीर्य जो है वो वापस अंदर चला जाएगा। और यूरिन के रास्ते से यानी कि यूरिन के साथ जब आप यूरिन पास करेंगे तो वीर्य आपका ऐसे निकलेगा, यूरिन के साथ निकलेगा। अब देखिए, इससे क्या है कि इससे सेक्सुअल लाइफ पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है, वो पड़ता है पुरुषों की प्रजनन क्रिया में फर्क पड़ता है। क्यों? आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपके जो स्पर्म है वो अनावश्यक रूप से खराब होते रहेंगे। और फिर एक ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि जब आप चाहते हैं कि आपका वीर्य निकले तो उस कंडीशन पे वीर्य निकल भी नहीं पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक जो तरीके हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है उसमें हम अमल दखल ना करें तो बेहतर है। आप जो मैंने वेग बताए हैं इनको अगर आप रोकते हैं तो उनसे नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो गाइज, इस तरह से जो ये क्रिया है जिसमें आप वीर्य के वेग को रोकते हैं, इस क्रिया को हम कहेंगे रेट्रोग्रेड एजुकेशन कहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि अगर आप ऐसी क्रिया कर रहे हैं तो आप ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। वीर्य को अपनी टाइमिंग बढ़ाने को अगर आप चाहते हैं, आपकी टाइमिंग बढ़े तो उसके तरीके और हैं। आप कुछ एक्सरसाइज हैं, कीगल एक्सरसाइज हैं, उनको आप करिए, इससे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। ये तरीका आप ना अपनाएं तो बेहतर रहेगा। तो गाइज, यही मेरी आज की वीडियो थी, इसके अंदर मेरा यही मैसेज था और मैं ये आपसे बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई परेशानी है, चाहे वो शीघ्र पतन से जुड़ी हो या फिर वो लिंग के ढीलेपन से जुड़ी हो, लिंग के साइज़ को लेकर के आपकी कोई बात है तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।